गाजियाबाद पुलिस का चेहरा एक बेनकाब हुआ है। पुलिस ने एक हॉस्पिटल मालिक से साठ गांठ करके के न्यूज के रिपोर्टर को जेल भेज दिया था। जब रिपोर्टर की कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। मुरादनगर के मंगलम अस्पताल में अवैध लिंग परीक्षण की खबरों के बाद सीएमओ के साथ के न्यूज की टीम लाइव रेड पर गई, लेकिन सीएमओ ने अस्पताल मालिक को मीडिया टीम साथ होने के बारे में पहले ही सूचित कर दिया, जिसकी के न्यूज की टीम पहुंचने से पहले अस्पताल में करीब 300 लोग पहुंच गए। और जब के न्यूज संवाददाता वैभव लाइव करने लगा तो अस्पताल कर्मचारियों ने उसका माइक, आईडी और कैमरा छीन लिया। सब पत्रकार वैभव पर टूट पड़े और वैभव को अधमरा कर पुलिस के हवाले कर दिया। यही नहीं, अस्पताल मालिक के मित्र एक बीजेपी नेता की शह पर पत्रकार पर पैसे मांगने का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तो गाजियाबाद का यह पूरा मामला था, जहां आपको बता दें कि के न्यूज के पत्रकार जब उसे मारपीट की गई रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार को अधमरा कर दिया, झूठे इल्जाम लगाकर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई। आपको बता दें पूरा मामला गाजियाबाद में हुआ, जहां अस्पताल प्रबंधन की शह को लेकर पत्रकार के साथ मारपीट की गई और पुलिस की मिली भगत से पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और उसे जेल भेजा गया।